हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पार्किंग ऑर्बिट। देखिए, इस कॉन्सेप्ट की खास बात यह है कि ग्रेविटेशन का जो 80% क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा और इसमें फिजिक्स मात्र एक लाइन है जो डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी 80% क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का लगभग इस कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो ये इसकी खासियत है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए। और ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग आजकल सैटेलाइट के गुलाम हो चुके हैं, है ना। अगर सैटेलाइट काम करना कम बंद कर दे तो हो सकता है कि हम लोग का, है ना, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है, नहीं। तो इसलिए तो हम लोग सैटेलाइट का गुलाम हो चुके हैं, मोबाइल से बात करते हैं, इवन हम लोग जो यूट्यूब देखते हैं, आप जो यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे भी सैटेलाइट का बिल्कुल हाथ है। आप जो टीवी देखते हैं, आप जो सारा जो कनेक्शन आप डीटीएच का लेते हैं, वो सब जो उसमें सैटेलाइट का फंक्शनिंग है, सैटेलाइट की वजह से आप इतना बढ़िया साफ सुथरा पिक्चर देखते हैं, है ना। मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में और आप यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे लाइव देखते हैं आप उसका, उसके पीछे भी सैटेलाइट का हाथ है। अगर सैटेलाइट काम ना करे, गड़बड़ा जाए, तो फिर आपका जो है मैच देखना भी बंद हो जाएगा और वर्ल्ड कप का फाइनल हो और सैटेलाइट बंद हो जाए, तो इसलिए हमने कहा कहीं को हार्ट अटैक आ सकता है उस समय कि अब जो है मैच हमको नहीं दिखाया जा रहा है। तो वैसे स्थिति में और भी कुछ ऑप्शंस है जिसमें गवर्नमेंट उस समय प्रयास करती है कि आपको मैच दिखाया जाए। और कई बार आप देखते होंगे टेलीविज़न पर ये आता है कि उपग्रह की खराबी के कारण आपको हम ये मैच दिखाने में अभी असक्षम हैं, है ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसके पीछे भी सैटेलाइट है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइए कि सैटेलाइट जो होता है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, स्टेशनरी मतलब अस्थिर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अस्थिर दिखे, जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अस्थिर दिखे वह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है साहब, वह ग्रेविटेशनल एरिया के बाहर होता है या ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर होता है? ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है साहब। अगर बाहर होगा ना तब तो फिर भाग जाएगा, तो हम लोग का जो उसमें करोड़ों रुपये खर्च होता है, अरबों रुपये खर्च होता है, तो फिर वह जो है बेकार हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर होगा तब तो फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर होता है। तो फिर आप लोग, कुछ लोग गुर्रा के देख रहे हैं कि आखिर अंदर होता है तो गिरता क्यों नहीं है। सही बात है, अंदर होता है तो गिरता क्यों नहीं है? तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है, ये डायग्राम देखिए, उसके पीछे कारण है ये जो ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² / r। चूंकि देखिए, यह डायग्राम भी समझिए थोड़ा, यहाँ पर यह अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और यह जो है यहाँ पर सैटेलाइट है, और यह जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं यह सैटेलाइट का ऑर्बिट है। जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रखा जाता है उस ऑर्बिट को हम लोग पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व होता है, द ऑर्बिट इन विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व इज नॉन एज पार्किंग ऑर्बिट। तो पार्किंग ऑर्बिट भी फिक्स होता है। यह जो है यह हमारा पार्किंग ऑर्बिट है जिसमें कि सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, यह जो है यह पार्किंग ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। और पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ सरफेस से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है जहाँ पर कि यह रिवॉल्व करता है,
वो लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? लगभग 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये हम लोग निकालेंगे, वो हमारा टारगेट भी है, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। तो 36,000 किलोमीटर पृथ्वी के सरफेस से ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की हाइट होती है। और अगर हम पृथ्वी के सेंटर से लें तो इसमें जो है 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, और आप ऐड कर दीजिए तो 42,400 किलोमीटर के आसपास लगभग ये हाइट आती है। तो पहले तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी याद रखें कि हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आज के डेट में जीके का क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको तो डायरेक्ट भी याद रखना है। पहले तो कैसे होता है वो तो बात की बात है, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो ऑर्बिट है यह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का ऑर्बिट है। यहाँ पर जैसे ये इंडियन सेटेलाइट है, और सपोज अगर यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर सपोज इंडिया है, तो अगर ये इंडियन सेटेलाइट है, यहाँ पर इंडिया है यहाँ पे, और यहाँ पर ये इसका सेटेलाइट इंडियन सेटेलाइट है, तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वही सेटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी दी जाती है। जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, जो ओमेगा अर्थ का होता है वही एंगुलर वेलोसिटी जो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की दी जाती है। तो इससे क्या होता है, जब आप इंडियन प्लेस पर से आप देखेंगे तो आपको सेटेलाइट अपना हमेशा ऊपर नजर आएगा, हमेशा आपको यहां पर ही नजर आएगा, हमेशा आपको अपने ऊपर नजर आएगा वो। तो इससे क्या होगा, ये आपको हमेशा अस्थिर नजर आएगा, इसलिए कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से सेटेलाइट भी घूम रहा है। इंडिया मान लीजिए घूम करके यहां पर आ गया तो आपका इंडियन सेटेलाइट यहां पर आ गया, बात समझे कि नहीं। यहां पर अगर इंडिया यहां हो गया तो आपका सेटेलाइट जो आपको यहां आ गया, फिर जैसे यहां आ गया तो फिर यहां आ गया, तो इसलिए आपको हमेशा अपना सेटेलाइट अस्थिर नजर आएगा। आई बात समझ में? इसी वजह से जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बोलते हैं, बात समझे कि नहीं। तो देखो सेटेलाइट का कई फंक्शनिंग है आज के डेट में, आप भी जानते हैं। ने कहा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, आप है ना, कहीं मैच होता है आप यहाँ पर घर बैठे देखते हैं, तो उसमें भी सेटेलाइट का हाथ है ना। और जैसे मान लो कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और इंडियन सेटेलाइट खराब हो जाए, वर्ल्ड कप का फाइनल हो है ना क्रिकेट का, और इंडियन सेटेलाइट गड़बड़ा जाए, तब क्या होगा? तब तो अगर नहीं बोलो ऐसा नहीं, नहीं फाइनल में इंडिया रहे है ना, और उसके बाद जो है इंडियन सेटेलाइट खराब हो जाए तब क्या होगा? तब तो मार हो जाएगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में फिर उपाय होता है, उसका भी उपाय होता है। अगर इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अब जहां पर देखा जा रहा है कि जहां पर पब्लिक मूवमेंट आ जाएगा, युवा लोग रोड पे निकल जाएगा, हमको मैच दिखाओ है ना, तो फिर उसका जो है जहां पर तख्ता पलट हो सकता है, तो वैसे स्थिति में पड़ोसी मदद करता है, इसलिए पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पड़ोसी देश ही आपकी मदद कर सकता है, हाँ जी हाँ, पाकिस्तान मदद कर सकता है, बांग्लादेश मदद कर सकता है, तो वैसे स्थिति में पड़ोसी देश से मदद ली जाती है और उनको कहा जाता है कि आप अपना सेटेलाइट जो है, सेटेलाइट का जो डायरेक्शन है आप थोड़ा सा मोड़ दीजिए, आप इंडिया की तरफ कर दीजिए। तो उस डायरेक्शन को मोड़ने के लिए हो सकता है आप निगोशिएशन होता है आपसे, हो सकता है कि करोड़ों रुपये अरबों रुपये ले भी सकता है, ज़्यादा दोस्ती तो नहीं भी ले सकता है, बहुत बात है हाँ, लेकिन तब फिर वही मदद कर सकता है कि फिर जो है थोड़ा सा डायरेक्शन आपको इंडिया की तरफ वो चेंज कर देगा। तो फिर वैसे स्थिति में क्या होगा, जो उसके सेटेलाइट में फंक्शनिंग है वह जो है आपके पास आना शुरू होगा। तो मदद पड़ोसी ही कर सकता है, इसलिए कि जो आपका यहाँ पर जैसे आपका इंडियन सेटेलाइट है तो जो यहाँ पर है वो हल्का सीधा मोड़ेगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ वाले का इंडिया में नहीं जा सकता, तो पड़ोसी मदद कर सकता है जरूरत पे। आई बात समझ में? तो इसलिए पड़ोसी से अच्छा संबंध होना चाहिए, बात समझे कि नहीं, कोई भी हो। तो इसलिए सेटेलाइट फिर वहाँ पर उसका हम लोग हेल्प लेते हैं और काम करने लगता है, और फिर हम लोग मैच
देखने लगते हैं, फिर आपको दिखाया जाता है। आई बात समझ में? तो कई फंक्शन है आपका सेटेलाइट का। इवन आप घर में जो टेलीविज़न लगाते हैं, आप जो ऊपर में डी जो लगाते हो, वो डीटीएस जो लगाते हो, उसका जो है ना छतरी जो आप लगाते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन दिया जाता है वो भी सेटेलाइट के डायरेक्शन में दिया जाता है। उसको पता है कि इधर देना है इसका डायरेक्शन, वो भी सेटेलाइट के डायरेक्शन में दिया जाता है। और जो एक बार डायरेक्शन उसको दे दिया जाता है, तो चूंकि वो सेटेलाइट का डायरेक्शन ऑलरेडी वो फिक्स होता है, सेटेलाइट उसका घूमेगा तो छतरी भी घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, तो इसलिए उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार पता है कि ये डायरेक्शन में सेटेलाइट इसको कैच करेगा, वो लोग आइडिया होता है किस डायरेक्शन में सेटेलाइट पकड़ेगा। तो अब सोचो है ना कि हम लोग जो है दिन रात इसका यूज करते हैं, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो फिजिक्स है वो फिजिक्स क्या है, ऊपर की तरफ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे की तरफ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा साहब आप ये बताओ, क्या यहाँ पर हम लोग एम जी लगा सकते हैं? यहाँ पर एम जी लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते एम जी, यहाँ पर हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि ये जो है काफ़ी हाइट पर है, और यहाँ पर जी जो लगाएंगे तो ये 9.8 जी नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर जी बहुत कम होगा, 3.9 हो सकता है ना। तो यहाँ जो है एम जी नहीं लगाएंगे, तो एम जी वन जी टू लगा सकते हैं, लेकिन फिर तो जी वन जी टू हमको चाहिए निकालना होगा, तो इसलिए यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगा करके, जिसको कि इंटरनेशनल परमिट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, हम लोग इसको लगा देते हैं जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम और नीचे आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहां देखिए, इन द बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हमने कहा फिजिक्स इसमें मात्र यही एक लाइन है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, और मेजर क्वेश्चन ग्रेविटेशन का बस इसी कॉन्सेप्ट पर है। देखिए कई क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट यहां पर आपको भी मिलेगा इससे, तो यहां पर जो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां देखिए एम खत्म हो गया, ये आर भी खत्म हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर। तो पहले तो अगर हम वी की बात करें साहब, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम अपॉन आर। यह खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कई बार ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आईटी में भी कई बार पूछा गया है, वी इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर। अब मन में वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो अब जरा यहां देखिए, तो इसमें जी एम साहब तो कॉन्स्टेंट है नहीं, तो वी और आर क्या है साहब, आर अगर बढ़ेगा तो वी घटेगा, नीचे है ना, हालांकि रूट में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम नहीं कह सकते, रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां जो है अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो वी क्या होगा साहब, घटेगा। तो जैसे जैसे ये जो आर है हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये अगर बढ़ेगा तो सेटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो घटती है, और जैसे जैसे आर घटेगा, ये स्मॉल आर, जैसे जैसे स्मॉल आर घटेगा, जैसे जैसे सेटेलाइट अगर नजदीक आता जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है सेटेलाइट की। अगर हम जैसे जैसे इसके करीब आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा साहब, बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस जो है घट जाए सेटेलाइट का तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर सेटेलाइट अर्थ के जस्ट अबव अगर रिवॉल्व करे तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से उसको रिवॉल्व करना होगा। बात समझे कि नहीं? तो एक तब यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका बना, ठीक है। और फिर देखिए हम वी को क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा आर दे सकते हैं, तो वी को यहाँ पर ओमेगा आर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर। कोई दिक्कत इसमें?
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, आर क्यूब। तो ओमेगा इक्वल टू कितना, रूट अंडर जी एम अपॉन आर क्यूब। यह भी एक क्वेश्चन हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला हुआ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जी एम अपॉन आर क्यूब। और ध्यान देने वाली बात है, जहां भी जी एम साहब आए उसको क्या करना है, जी आर स्क्वायर से कन्वर्ट कर देना है। जहां भी जी एम आते हैं तो उसको जी आर स्क्वायर से कन्वर्ट कर देना है, इसलिए कि कैपिटल जी या कैपिटल एम ये क्वांटिटी जो है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, इसको कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगा, तो वहाँ पर इसको जी आर स्क्वायर से हटा देना है। जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास यह भी फॉर्मूला हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये भी फॉर्मूला हुआ। और फिर हम यहाँ पर देखिए इसको लिख लीजिए, और फिर यहाँ पर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को 2π/T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/T। तो यहाँ पर ओमेगा को फिर यहाँ पर 2π/T लिख लेते हैं। तो जरा देखिए हम ये इधर लिख रहे हैं, फिर तो यहां देखिए ओमेगा को लिखा हम यहां पर 2π/T। तो ध्यान देने वाली बात अब यह है कि रूट अंडर जी आर स्क्वायर अपॉन कितना, आर क्यूब। तो बोलिए साहब टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू, टी को इधर करिए, बोलिए 2π रूट अंडर आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। टी इक्वल टू 2π रूट अंडर आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। यह भी आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर्मूला नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन भी है क्या टाइम पीरियड होगा, तो इसके लिए आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। अब जरा यहां देखिए, अगर इसको स्क्वायरिंग किया जाए, स्क्वायरिंग किया जाए तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। अब इसको गौर से देखिए, यहां पर ये बहुत खास बात कहता है, क्या कहता है खास बात, जरा देखिए टी स्क्वायर यहां पर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, विच इज वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, है ना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब विच इज वेरिफिकेशन ऑफ, है कि नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ भी हो गया, है ना, यही ना होता है केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, और यहां पर ये रेडियस है, ठीक है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो क्या देखिए इसमें, कई क्वेश्चन तभी तक हमको यहीं पर मिल चुका कि क्या टाइम पीरियड होगा, फिर इसको पलट दीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल गया फिर फ्रीक्वेंसी मिल गया, नहीं पलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा, एन इक्वल टू 1/T होता है ना साहब, तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला 1/2π रूट अंडर पूरा पलटेंगे तो जी आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर क्यूब नीचे आ जाएगा, कोई तकलीफ इसमें, आई बात समझ में? तो कई क्वेश्चन हमको फिर यहां से मिला। और फिर देखिए अब यहां पर जरा यह जो फॉर्मूला है, ये जो हम लोग लिखे हैं इसी को ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज इसको फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, यहां से और एक मेजर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, ये इसको डायरेक्टली लिखिए टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² आर क्यूब और जी आर स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, यहां से हम आर क्यूब को निकालना चाह रहे हैं, जरा बोलिए तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4π², यही ना, आर क्यूब हो गया ना, कोई तकलीफ इसमें, आर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, आर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर 1/3 दे दें, क्यूब रूट हो गया, 1/3 दे दिया, मतलब क्यूब रूट हो गया, कोई तकलीफ इसमें। अब यहाँ पर देखिए, यह जो साहब ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर किसके बराबर है, आर प्लस एच के बराबर है, इसलिए कि ये रेडियस माना हमने कैपिटल आर, और पृथ्वी के सरफेस से सेटेलाइट की हाइट कितनी एच, और यहाँ से पृथ्वी के सेंटर से सेटेलाइट का डिस्टेंस हम स्मॉल आर मान रहे हैं, और स्मॉल आर कितने के बराबर होगा, कैपिटल आर प्लस एच, कोई दिक्कत इसमें। तो स्मॉल आर कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर प्लस एच, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे 4π² है ना, ये आर प्लस एच हो गया। और अगर एच की बात करें तो आर माइनस हो जाएगा उधर, तो जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे 4π² पावर 1/3, और माइनस कितना कैपिटल आर। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह जो आपको मिलेगा साहब, ये लगभग 36,000 किलोमीटर मिलेगा, एच का वैल्यू 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स, और आर्क तो आपको पता है 6400 किलोमीटर, बाकी इसमें जो टाइम पीरियड लेना है वो अर्थ का 24 आवर, टाइम पीरियड जो होगा कितना होगा साहब, अर्थ का 24 आवर, वही लेना है। इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको जो है ये वैल्यू मिलेगा 36,000 किलोमीटर। और अगर यही डिस्टेंस हम पृथ्वी के सेंटर से जानना चाहेंगे तो ये आपका आर इधर ऐड हो जाएगा, है ना, ये जो आपका फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ से हुआ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये कितना हो जाएगा, तो 36,000 प्लस 6,400, ये लगभग कितना हो जाएगा साहब, 42,400 किलोमीटर। और याद भी रखिएगा, इसको जो है याद भी रखना है, याद के डेट में डी के जी के जैसा क्वेश्चन जो है ये काम करता है। पृथ्वी के सरफेस से कितनी हाइट होगी, 36,000 किलोमीटर, इतने हाइट पर सेटेलाइट रिवॉल्व करता है। और ये जो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की बात है, ये कौन सी सेटेलाइट की बात है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की बात है। लेकिन अगर सेटेलाइट और नीचे हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा उसका, फिर इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने दिया था, जरा देख लीजिए एक बार, वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला था बताइए तो जनाब, वी इक्वल टू रूट अंडर जीएम अपॉन आर। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलेगा, कहिए क्या निकलेगा, जीएम साहब तो कांस्टेंट है, जी कैपिटल जी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब साहब वी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो इसका मतलब वी वन अपॉन वी टू रूट अंडर आर टू अपॉन आर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी से निकला ना, बात समझे कि नहीं। जैसे वी वन की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर वन, वी टू की बात करें साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर टू, इसको डिवाइड कर दीजिए। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं, आप लोग का बच्चा नहीं है, बाल बच्चेदार आदमी है, इतना तो समझ रहे हैं, इसको सीधा करना है, इसको इसलिए बोलते हैं आप लोग बाल बच्चेदार, बच्चा नहीं हो, है ना, इसको देख रहे हैं कि उल्टा है सीधा, है ना, वी और आर जो है वो सीधा नहीं है बल्कि उल्टा है, इनवर्सली है, तो यहाँ पलट के लिखना है, यहाँ वन तो यहाँ टू, यहाँ टू तो यहाँ। अब भाई अगर यार ऊपर होता तो यहाँ वन होता तो यहाँ भी वन होता, सीधा इसको डायरेक्ट उल्टा करके लिख देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास मिला, वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, वी वन अपॉन वी टू रूट अंडर आर टू अपॉन आर वन, कोई दिक्कत इसमें, ये बात समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्या देखिए इसमें कई क्वेश्चन निकला हमारा, यहीं पर कई क्वेश्चन निकला, क्या लीनियर वेलोसिटी होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, क्या लीनियर वेलोसिटी का रेशियो होगा, वी वन अपॉन वी टू रूट अंडर आर टू अपॉन आर वन,
और भी कई क्वेश्चन निकला, जरा सोचिए तो इसमें कई क्वेश्चन छिपा हुआ है। सेटेलाइट को, और अगर हम नीचे करें, सेटेलाइट को नीचे करें तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना, बात समझे कि नहीं। इसके हिसाब से जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर यहाँ पर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और नीचे होगा, नीचे होगा तो मतलब आर कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा साहब, ज़्यादा हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो ये सारे क्वेश्चन पर जो है कई क्वेश्चन बनता है, मेजर क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। लेकिन फिजिक्स इसमें जो कहा शुरू में बात मात्र एक ही लाइन था, एम बी स्क्वायर अपॉन आर ऊपर वाला फोर्स, और नीचे जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों क्या किया, एक दूसरे को बैलेंस किया, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर। फिजिक्स बस यही एक लाइन, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन आपका बनता है। बोले इसमें कोई दिक्कत? तो हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर के जे सर, अगर आपको फायदा हो रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैसा वैसा तो नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, लगता है कुणाल? ठीक, थैंक यू।